होली मिलन समारोह का आपको नजारा दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मानव सेवा संघ की बात ही कुछ निराली होती। जी हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाठी 24, मैं हूँ वीरेंद्र कुमार। हमारे तमाम अनमोल दर्शकों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। यूं ही प्यार के रंगों में रंगे रहिए, खुशियों के रंगों में रंगे रहिए, हमेशा सुख दुख का जो सागर उसमें भी डुबकी लगाते रहिए। हमारे साथ मानव सेवा संघ के संयोजक जुड़ेंगे। क्या कुछ आज होगा, मैं जानना चाहूँगा सर, क्या कुछ होगा? मानव सेवा संघ लगभग तीन साल से कोई भी पर्व हो, तिल संक्रांत हो, महाशिवरात्रि हो, होली हो, बड़ा धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। और आज अनोखा क्या हो रहा है सर? आज होली मिलन समारोह के उपलक्ष्य में गरीबों के बीच में पुआ, पकौड़ा, आलू चप, घुगनी की व्यवस्था की गई है, जिससे कि हम सक्षम लोग तो अपने घर में होली के नाम पर खा लेते हैं, गरीब बेचारा वंचित रह जाता है। इसलिए गरीबों के लिए आज होली के शुभ अवसर पर ये बेज बन रही है। रफी साहब क्या कुछ हो रहा है? पहले मैं आप तमाम प्रेस वालों को नमस्कार करना चाहता हूँ, और आपके जरिए हमारी आवाज़ जो झाझा के लोगों के बीच जाएगी, उन तमाम लोगों को मैं मानव सेवा संघ की ओर से धन्यवाद दे रहा हूँ। देखिए, पर्व चाहे छोटा हो या बड़ा, हर कोई मनाता है। हर तबके के लोगों के दिल में एक तमन्ना होती है कि हम भी पर्व मनाएं। बड़े लोग तो अपने धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन गरीब लोग जो लाचार है, बेबस, वो लोग सिर्फ सोच के रह जाते हैं। इन्हीं तमाम सोच को देखकर हम मानव सभा सेवा संघ के तमाम कार्यकर्ता आज कई वर्षों से गरीबों के बीच ये होली मिलन समारोह मनाते हैं, जिसमें कि हम गरीबों को खिलाते हैं पुआ, पकौड़ा, घुगनी। वो गरीब इसे खाकर बड़े संतुष्ट होते हैं और होली का आनंद लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। होली खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, और जहां रंग है वहां खुशी है। आज मानव सेवा संघ के तत्वावधान में गरीबों की होली तो हो ही रही है, इसमें झाझा के तमाम प्रबुद्ध जन, झाझा के सभी वर्ग के लोग भी आके इसमें शिरकत कर रहे हैं और खुशी खुशी होली मना रहे हैं। हम झाझा वासियों को यह संदेश देना चाहेंगे कि इसी तरह मिलजुल के होली मनाइए और खुशी मनाइए। व्यवस्था नहीं हो तो होली का मजा कुछ कम हो जाता है। पुआ, पकवान, सारी चीजें आज मानव सेवा संघ में, और संजीव खुद आज
छनौटा पकड़ के छान रहा है लोगों की सेवा के लिए।